हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मानवेंद्र। आज आप ये जो कार देख रहे हैं ये मारुति की इग्निस है जो कि नेक्सा बेचती है। आज हम इस वीडियो के थ्रू इस कार की सारी इन्फॉर्मेशन, राइड रिव्यू, क्या क्या इसकी अच्छाई है, क्या क्या इसकी खराबी है, क्या आपको ये कार कंसिडर करना चाहिए, नहीं कंसिडर करना चाहिए, आज हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको इस कार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो कि पीछे खड़ी स्विफ्ट में भी आता है, जो कि 83 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये कार आपको जब भैया ने ली थी तब 5.5 लाख रुपए की ऑन रोड आ जाती थी, अब भले महंगी हो गई हो। और ये सामने से इसमें आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती हैं, फॉग लैंप। सो ये हैं भैया कार के ओनर। आज हम भैया से जानेंगे पूरा इनकी कार का राइड रिव्यू, क्यों इन्होंने इग्निस चूज़ की और इनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भैया आप अब तक गाड़ी कितनी चला चुके हैं? गाड़ी लगभग 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ। इसको हमने लिया था फरवरी 2019 में। हाँ। ये 2018 मॉडल थी। हाँ। और कोई भी गाड़ी आप लेते हैं तो सबसे जरूरी ये होता है कि आप लोग उस गाड़ी को कंसीडर क्यों कर रहे हैं और आपकी बेसिक नीड क्या है। हाँ। तो यूपी में उस समय सड़कें बहुत खराब थी। हाँ। इसके पहले मेरे पास हुंडई की एक गाड़ी थी इयोन। हाँ। उसमें 800 cc का इंजन था, चक्के भी उसके छोटे थे। हाँ। और जहाँ 2 से 3 लोग बैठते थे वो दब जाती थी, नीचे टच कर जाती थी। तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसका चक्का बड़ा हो और जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अधिक हो। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस एज कम्पेयर टू स्विफ्ट, बेस मॉडल है ये। 15 इंच के टायर इसमें आते हैं, जिसकी फिगर्स बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 180 mm है, जो कि आपको महिंद्रा के XUV300 में भी 180 mm ही मिलती है। और हमको लगता है कि किसी भी गाड़ी के लिए 180 mm हैचबैक के हिसाब से 180 mm बहुत है। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, आपको ये कार कितने की पड़ी थी उस टाइम? हमको ये गाड़ी उसमें जो ऑन रोड आ रही थी वो 5,54,000 में आ रही थी। जिसमें हमको मारुति की तरफ से काफी डिस्काउंट भी मिले होंगे और डिस्काउंट दिया गया था। हाँ, तो भैया जैसा कि आपने 14,000 इग्निस चला ली है, तो आपको अभी तक इस कार में क्या क्या अच्छाई नजर आई, क्या क्या खराबी नजर आई? सबसे अच्छी बात मारुति की होती है कि इसका जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत ज्यादा रिफाइन है। 1.2 लीटर में हो सकता है कुछ गाड़ियां ऐसे ज्यादा पावर जनरेट करती हो, टॉर्क जनरेट करती हो, लेकिन इतना रिफाइन इंजन और कोई है नहीं जो कि कभी गिव अप नहीं करता, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात मारुति लेने का वजह यह है कि इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। अब ये है कि गैदरिंग बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोगों के साथ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। लेकिन हमारे एरिया में इसकी सर्विस नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी देती है गाड़ी। और तीसरी चीज़ ये है कि हमको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए थी, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। इसकी टायर साइज 15 इंच, बेस मॉडल में कोई भी गाड़ी आपको 15 इंच का टायर नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ जो मारुति की जो इग्निस है उसमें आपको 15 इंच का टायर मिलता है। और बेस मॉडल है, इसमें हमने ये जो ऑडियो सिस्टम ये अलग से लगा रखा है, इसमें स्पीकर्स नहीं आते हैं, स्पीकर्स हमने अलग से लगा रखे हैं। और इसमें फॉग लैंप नहीं आता, फॉग लैंप हमने इग्निस वहीं शोरूम से ही लगवाया था, 4,000 उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ी थी। और ये सीट कवर भी आपने लगवाया होगा? सीट कवर भी हमने लगवाया है, सीट कवर ये बहुत ही अच्छा सीट कवर है, काफी क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। ये हमने लखनऊ से लगवाया था और ये हमको 6,500 का उसमें पड़ा था। ये डबल कुशन सीट कवर है और लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करते हैं गाड़ी से तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होती। और भैया माइलेज कितना दे देती है ये कार? माइलेज जो है इसकी, अगर आप जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले जो शहर हैं उसमें गाड़ियां ट्रैफिक दूसरे तीसरे गियर में चल पाती हैं, चौथे पांचवें गियर में गाड़ियां रेयरली ही आ पाती हैं, तो अगर दूसरे तीसरे गियर में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये आपको AC के साथ 16 का एवरेज दे देती है। और अगर आप हाईवे चलाते हैं, ज्यादा गियर शिफ्टिंग नहीं करते हैं, ज्यादा गियर यूज नहीं करते हैं, तो आपको आप 19 से 20 आपको AC पे आराम से दे देती है। तो चलिए ये तो बात हो गई सारी की सारी गाड़ी की अच्छाइयों की, प्रोज की। आपको क्या क्या कमियां इस कार में नजर आती हैं जो कि मारुति को अपनी आने वाली इग्निस में सुधारनी चाहिए? देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर मारुति भी अपनी गाड़ियां लॉन्च करती है तो उनका वेट बहुत अच्छा होता है, मतलब ज्यादा होता है। इंडिया में ये ट्रेंड आ गया है कि एवरेज बढ़ाने के लिए गाड़ियों का जो वेट है वो कम करते जा रहे हैं। इनफैक्ट फोर्ड हो गई, टोयोटा हो गई और सेवोलेट जो गाड़ी आती थी जनरल मोटर की, उन्होंने तो इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया अपना सब कुछ। उन लोगों की गाड़ियां बहुत हैवी, बहुत मजबूत हुआ करती थी। मारुति से सिर्फ और सिर्फ एक शिकायत है कि आप अपनी गाड़ी को हल्की करते जा रहे हैं एवरेज बढ़ाने के लिए, आप अपनी गाड़ियों को ग्लोबल NCAP रेटिंग में क्रैश टेस्ट के लिए क्यों नहीं भेजते? कस्टमर अगर आपका 50% का शेयर है तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि हाँ हमारी गाड़ी जो चल रही है इसमें हमारी फैमिली सेफ है कि नहीं सेफ है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति सुजुकी से हमारी शिकायत है, हमको नहीं पता इस क्रैश टेस्ट में इसका क्या रेटिंग है, 1 स्टार है, 2 स्टार या 0 स्टार है? 0 स्टार है। हाँ, 0 स्टार हो सकता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे बड़ा कोन यही है।
और बाकी मैं तो और कोई तो बाकी इस कार में कोई कौन नहीं है, बस सेफ्टी को लेके एक बहुत बड़ा इशू है और मुझे लगता है कि इनके सारे प्रोज के ऊपर ये भारी पड़ता है। सही बात, क्योंकि भाई लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं, लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं अकेले चलता हूँ और इसलिए मैं ये गाड़ी लेके चलता हूँ, फैमिली के लिए मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अगर आप फैमिली लेके चलते हैं तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि आप ये गाड़ी ले। तो भैया ये तो सारी की सारी मारुति कार्स की मान लीजिए हैबिट हो रखी है, आपको इसमें सर्विस कॉस्ट कितना लग जाता है इस कार में साल भर में? सर्विस कॉस्ट पहली सर्विस में मेरा 25 रूपए लगा था जो की आगे शैम्पू डालते हैं, दूसरी सर्विस में वो 31 रूपए हो गया था, 31 रूपए लिया था, तीसरी सर्विस एक्चुअली मेरा जो रनिंग है वो बहुत कम है, तो 2 साल पे जो मेरा मैंने सर्विस के लिए मैं गाड़ी ले गया था फैब में, तो उनका होता है कि 20,000 किलोमीटर पे उनको जो जो चीजें अपनी चेंज करनी है वो सारी वो चीज चेंज करते हैं, तो अप्रॉक्स मेरा 5,000 के अंदर ही खर्चा हुआ था, 5,000 आप फिगर मान सकते हैं। साल भर में इस कार में 5,000 के खर्चे हैं? नहीं, 10,000 किलोमीटर पे हैं, 20,000 किलोमीटर पे, 20,000 किलोमीटर पे 5,000 से 6,000 आपका 5,000 रूपए खर्चा है, और 20,000 किलोमीटर के अंदर में बस समझ लीजिए कि आपका ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, मोबिल चेंज करेंगे, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करेंगे, ये सारी गाड़ियों में होता है, बहुत चीप एंड बेस्ट कार है इस मामले में। तो चलिए ये थी सारी की सारी राइड रिव्यू लॉन्ग टर्म इग्निस की, तो ये देख लीजिए कार अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, बेस मॉडल होने के बावजूद भी इतनी प्यारी लगती है। सो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।